हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस फॉर ऑल। और आज हमने वापस से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आ गए हैं। और गाइस, एक रेफरल भी है जो हम प्रोवाइड करेंगे अपने एंड से, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो करेंगे एक एक करके सारे अपॉर्चुनिटी को डिस्कस। लेकिन गाइस, उसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के तरफ, जो कि है एप्टियो के तरफ से HD1 पोजीशन के लिए हायरिंग हो रहे हैं बेंगलोर लोकेशन के लिए। तो एक बार रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, आप भी देख लेना इधर से रिक्वायरमेंट्स आके। बेसिक क्वालिफिकेशन 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि 2021, 2020 एंड 2019 बैच एलिजिबल है। तो इधर आके एक बार अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेना, उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाना, ठीक है। ये जावा एसेंशियल है, उसके लिए हायरिंग हो रही है। एंड गाइस, मैं बता देता हूँ, ये जो HD1 पर्टिकुलर पोजीशन है इसके लिए CS for all रेफरल प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसी बात पे एक तो लाइक बनता ही है ना, तो गाइस फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तरफ, जो कि है सेम कंपनी एप्टियो HD1 EY फ्रंट एंड डेवलपर बेंगलोर लोकेशन के लिए। देखते इसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फ्रंट एंड रिएक्ट, आपको रिएक्ट आना चाहिए। बेंगलोर लोकेशन है, पोजीशन एक बार देख लेना, जो भी रिक्वायरमेंट्स है देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। एंड इधर भी क्वालिफिकेशन जो है 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब आप अगर 2020 बैच से हो, 2021 बैच से हो एंड 2019 बैच से हो तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट देख लेना, प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ रिएक्ट इज एसेंशियल, बिकॉज ये फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए हायरिंग हो रही है बेंगलोर लोकेशन में, तो जरूरी है ही ना। फिर भी आप बाकी चीज़ भी एक देख लेना। एंड गाइस, मैं बता देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग्स है HD1 रिएक्ट के लिए, इसके लिए भी CS for all आपको रेफरल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बात पे अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तरफ, जो कि वही कंपनी है एप्टियो। अब इस बार HD2 के लिए हायरिंग हो रही है बेंगलोर लोकेशन के लिए। देखते इसका, अच्छा ये भी फ्रंट एंड रिएक्ट का ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टू फ्रंट एंड रिएक्ट, आपको रिएक्ट आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब सारे चीज़ देख लेना एक बार, उसके हिसाब से रेज्यूमे बना लेना, कीवर्ड्स पुट कर लेना। बेसिक क्वालिफिकेशन में देखते हैं, 4 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब कि आप अगर 2017 बैच के हो, 2018 बैच के हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। इसके लिए भी रेफरल है जो कि CS for all प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है गेम डेवलपमेंट इंटर्नशिप, जो कि ऑन साइट है गुजरात में। एंड इसके जो बैच है ये 2023, 2022 एंड 2021 है। तो ये एक बार आपने JD देख लेना, जो भी कीवर्ड्स हैं देख लेना, ठीक है। इसके लिए ये जो पर्टिकुलर ओपनिंग है ना गाइस, ये CS for all के मतलब प्लेटफॉर्म में ही हायरिंग हो रहे हैं। इसका जो HR है, जो हायरिंग मैनेजर है, ये हमारे साथ कनेक्टेड है, ये इधर ही हायर कर रहे हैं। अप्लाई नाउ में आके अपने रिज्यूमे को सबमिट कर देना, हम HR तक पहुंचा देंगे, ठीक है। ओके, सो इधर अप्लाई कर देना। सो नेक्स्ट हमारा अपॉर्चुनिटी है एंत्राटा के तरफ से। एंत्राटा इज हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लोकेशन पुणे है, पुणे लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है। एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं ये लोग, 1 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आप अगर 2021 बैच से हो, 2020 बैच हो एंड उसके पहले वाला बैच से हो तो आप बिल्कुल इधर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो ओपनिंग्स आए, ये CS for all का जो लिंक्डइन पेज में है उधर दिया गया है। देखो इधर HR का नाम भी लिखा गया है, जो हायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम भी दिया गया है। अगर आपने हमारे लिंक्डइन पेज फॉलो नहीं किया तो जाओ तुरंत फॉलो कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे जो है ये Amazon के तरफ से। Amazon इज हायरिंग फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर इंटर्नशिप। ओके, सो ये यूनाइटेड किंगडम लोकेशन के लिए, बेसिकली लंदन लोकेशन के लिए है। एंड
जो बैच एलिजिबल है वो 2024 है। तो एक बार वही से सेम कीवर्ड देख लेना, ठीक है, कीवर्ड देख लेना एंड मैं देखता हूँ कि और क्या लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ पढ़ लेना। 3 months एंड 6 months का भी हो सकता है, BTech एंड MBA दोनों ग्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉन टेक वाला भी हो गया काइंड ऑफ, ये बिजनेस एनालिटिक्स हो गया एक्चुअल में। तो इधर आके रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करके तुम लोग देख लेना, ये बेसिक क्वालिफिकेशन इधर लिखा हुआ है, करंटली एनरोल इन बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम। तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी देख लेना, इधर से कीवर्ड अपने रेज्यूमे में अच्छे से डाल के फिर अप्लाई करना। इधर अप्लाई नाउ में आके क्लिक करना, अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे अपॉर्चुनिटी है ये है लिबसिस लिमिटेड के तरफ से हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लोकेशन है गुड़गांव, बैच है 2022-2021, जिसका CTC 5 LPA से 10 LPA तक आपको मिल सकता है, मतलब आपका परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, बेसिस के ऊपर आपको मिल जाएगा। एंड जो एलिजिबल है, बहुत अच्छी बात है कि BSc को इसने कंसिडर कर रखा है, ताकि मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि BSc को बहुत लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन आज तो ट्रेंड अलग ही हो रहा है कुछ, तो अच्छी बात है कि BSc इन CS कंप्यूटर साइंस, BCA, BTech, MCA सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका कोई दोस्त BSc या फिर BCA कर रहा है या फिर MCA कर रहा है, तो बिल्कुल ये चीज़ आपको उसके साथ शेयर करनी है, ठीक है, उसको भी हेल्प करना है। ये भी हमारा जो ओपनिंग्स है, ये सेस फॉर ऑल का जो लिंक्डइन पेज है उधर ही आए हैं, तो ये भी अपने देख लेना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमने शेयर किए हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिंक्डइन पेज में था, जो हमारे वेबसाइट में था, बहुत चीज़ शेयर किया है। हमारे लिंक्डइन पेज में और भी अपॉर्चुनिटी शेयर होते रहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी होते रहते हैं, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं चेक किए तो बिल्कुल जाकर अभी चेक करना। और एक मिनट वेट गाइज, वेट। सो गाइज, ये हमारे YouTube चैनल भी है, इधर भी बहुत मज़ेदार कोर्सेस आने वाले हैं, ऐप डेवलपमेंट बोलो, वेब डेवलपमेंट बोलो, गेम डेवलपमेंट बोलो, DSA बोलो, डेटा साइंस बोलो, कुछ भी, ML बोलो, AI बोलो, इधर सब कुछ धीरे धीरे लॉन्च करने वाले हैं। तो देर किस बात की, आप सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, बिल्कुल इधर आके सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज़।